रेखा ने विनोद मेहरा को ऐसे किया था शादी के लिए मजबूर। अभिनेत्री रेखा ने सही मायने में बॉलीवुड में सबसे सच्चा प्यार अभिनेता जितेंद्र से किया, लेकिन जितेंद्र के लिए रेखा मन बहलाने के साधन से ज्यादा कुछ नहीं थी, इसलिए जल्द ही जितेंद्र का रेखा से मोहभंग हो गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया। जब रेखा जितेंद्र के गम से निकलने की कोशिश कर रही थी, ऐसे समय में उनकी जिंदगी में अभिनेता विनोद मेहरा की एंट्री हुई, जो अपने जमाने में बॉलीवुड के सबसे हैंडसम अभिनेताओं में से एक माने जाते थे। विनोद मेहरा और रेखा स्वभाव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। रेखा जहां मुंह फट और बिंदास थी, वहीं मेहरा काफी सौम्य और मितभाषी शख्सियत थे। विपरीत स्वभाव ही इनके आकर्षण का केंद्र था। मेहरा के प्यार में गोते लगा रही रेखा मीडिया में रोज हंगामेदार बयान देती और किस और सेक्स जैसे विषयों पर खुलकर अपनी राय देती। रेखा और विनोद मेहरा के प्यार की बात जब मेहरा के घर पहुंची तो उनकी मां कमला नेहरू काफी नाराज हो गई। रेखा ने कमला का दिल जीतने की कोशिशें शुरू कर दी। वो सारा सारा दिन मेहरा के घर पर बिताती, उनकी माँ के लिए फिश करी बनाती और तरह तरह से उन्हें खुश करने में जुटी रहती। लेकिन रेखा कमला मेहरा को खुश करने की जितनी कोशिशें करती वो उतनी ही नाराज हो जाती। इधर विनोद भी रेखा पर खुद को बदलने का दबाव डालने लगे। वो रेखा को मीडिया से दूर रहने की जितनी सलाह देते वो उतनी ही जमकर पब्लिसिटी बटोरती। इस बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़े शुरू हो गए। रेखा की इन आदतों से नाराज विनोद मेहरा धीरे धीरे रेखा से कनी काटने लगे। जब रेखा को इसका एहसास हुआ तो एक दिन अचानक उन्होंने कॉकरोच मारने वाली दवाई पीकर सुसाइड करने की कोशिश की। रेखा की इस कोशिश से विनोद मेहरा बुरी तरह हिल गए। रेखा के इस दबाव के कारण वो शादी के लिए तैयार हो गए। 1973 में दोनों ने कोलकाता में मौसमी चटर्जी के घर पर शादी रचा ली और कुछ समय उनके घर पर ही बिताने के बाद वापस मुंबई मेहरा के घर पहुँचे, जहाँ कमला मेहरा ने रेखा का स्वागत चप्पलों की बौछार से किया। विनोद मेहरा ने मां को समझाने की काफी कोशिशें की, लेकिन कमला मेहरा किसी भी कीमत पर रेखा को अपनी बहू मानने को तैयार नहीं थी। विनोद ने समझा बुझाकर रेखा को अपने घर भेज दिया और माहौल के ठंडा होने तक इंतजार करने को कहा, लेकिन ये माहौल कभी ठंडा नहीं हुआ और आखिरकार विनोद मेहरा को रेखा को ही छोड़ना पड़ा।